गैंगस्टर मुख्तार अंसारी, ये मुद्दा अज विधानसभा कई बार गूंजा क्योंकि पंजाब सरकार जिहड़ी है बचाउण दी कोशिश कर रही है। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हुई है, गैंगस्टर नू पनाह दे रही है पंजाब सरकार। ये बयान दिता बिक्रम सिंह मजीठिया ने। उन्हें कहा कि डी जी पी जिहड़े ने वो गैंगस्टर के खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर रहे हैं। ये भी कहा कि गैंगस्टर नू बचाउण लई पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट च महंगा वकील किया, करोड़ों रुपए खर्च के अंसारी नू पंजाब सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का भी जिक्र किया, इस पर सी बी आई जांच की मांग की कि इन्ना खर्चा जिहड़ा पंजाब सरकार क्यों कर रही है एक यूपी दे गैंगस्टर नू बचाने के लिए। यह इल्जाम उन्होंने वालों लगाए जा रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल ने यह उठाया था, अज भी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के मुलाजमान तनखावां नहीं मिल रही। गुरप्रीत सिंह नामक माली ने खुदकुशी की, छोटे छोटे बच्चे एक पासे ये हालात, दूजे पासे पंजाब सरकार के मुलाजमान दियाँ टी ए डी ए अरेयर्स नहीं दिते जा रहे, हजारां करोड़ दबी बैठे है। जे रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से पोस्टा खत्म कर रहे हैं, पंजाब पे कमीशन लागू नहीं कर रहे, सेंट्रल पे कमीशन लागू करना चाह रहे, पंजाब पे स्केल खत्म करना चाह रहे हैं, कच्चे तो पक्के मुलाजमान करन दा जेड़ा पहली कैबिनेट च वायदा सी उहनू कर नहीं रहे। जिथे कहिंदे खजाना खाली, इहदे लई तां पैसे नहीं, एस सी स्कालरशिप लई पैसे नहीं, मगर जे मुख्तार अंसारी का केस लड़ना होवे ते सब तो टॉप दा वकील दिल्ली जाके सुप्रीम कोर्ट च लखां करोड़ां रुपये खर्च कर दिंदे आ कि गैंगस्टर यूपी ना जाए। यह हालात ये बनाते, पहला सेफ हेवन यूपी गिणिया जाता सी गैंगस्टर वाले, अज सेफ हेवन स्टेट गैस्ट वी आई पी ट्रीटमेंट, उन्होंने बर्थडे, उन्होंने विआह की सालगिरह, उन्होंने जेल च बैठे एडी वी आई पी फैसिलिटीज देती ने कि सारे दुनिया च वो फोन करके एक्सटॉर्शन किलिंग डकैती दा पंजाब नू हब बनाता। और तुसी हैरान होंगे, जिहड़ा अंसारी ते केस है, वो जिहड़ा अंसारी नू जिस केस ते लैके आए है, उस केस च उन्हें नौ ही नहीं लिया मुख्तार अंसारी दा, उन्हें कहा एक अंसारी तां वी ये फड़ लिया। और जद उन्हूं फड़ के लियाए है, अज दो साल पूरे हो गए है, ना चार्जशीट दायर की है ना उन्हें बेल मंगी है, जबकि तीन महीने तो बाद जो चार्जशीट दायर ना हो बंदे नू बेल आटोमैटिकली मिल जाती है। और आल हालात ये बन गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस गल की टिप्पणी हो रही है कि हाउ पंजाब इज शेमलेसली प्रोटेक्टिंग अंसारी। और इतों तक कहा जा रहा है कि शायद चीफ मिनिस्टर बनने का वो ख्वाब रखता है पंजाब से, ये हालात बनाते पंजाब के, इस करके पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर के की हालात बने है। सरकार की गलत प्रायोरिटीज करके किसानी खुदकुशी कर रहे हैं, उन्होंने पैसे नहीं, उन्होंने नौकरी नहीं, मगर बाकी चीज़ों लिए इन्होंने कोल फजूल खर्ची दे पैसे है। तो पंजाब सरकार की फजीहत मुख्तार अंसारी के मामले से सिर्फ पंजाब च नहीं सुप्रीम कोर्ट तक लगातार हो रही है। केस लगातार सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, अज भी सुनवाई हुई है मुख्तार अंसारी की पटीशन के उत्ते, यूपी सरकार की पटीशन के उत्ते। तो दस दिए कि यूपी सरकार कह रही है कि मुख्तार अंसारी के उत्ते तकरीबन 13 गंभीर मामले यूपी च दर्ज ने, कतल का मामला भी उसके उपर दर्ज है, तो उसू यूपी लिया जाना चाहिए। पर पंजाब सरकार वार वार बहाने लगा रही है, कदे कह दिंदी कि मुख्तार अंसारी का गला खराब है, कदे पंजाब सरकार ये कह दिंदी है कि मुख्तार अंसारी दे चेस्ट विच पेन है, या कोई ना कोई बहाना लगा के उसनू यूपी नहीं आउण दिता जा रहा। यूपी सरकार ने यह भी इल्जाम लगाया सुप्रीम कोर्ट दे विच कि इसनू जो बांदा दी जेल तो बड़े इलीगल तरीके नाल पंजाब लियांदा गया, पर उस तो बाद तो लगातार असी कोशिश कर रहे हैं कि उसनू पंजाब तो यूपी शिफ्ट करवाया जाए, पर पंजाब सरकार बहाने बना बना के उसनू आन नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के अज मुख्तार अंसारी के जो वकील पेश होया, उन्होंने कहा कि यूपी दे विच अंसारी की जान नू खतरा है, इस करके उसके सारे केस पंजाब शिफ्ट कर देने चाहिए है, जे पंजाब नहीं तो शायद दिल्ली कर दो पर यूपी तो कढ़ दो। ये अंसारी के वकील ने अज सुप्रीम कोर्ट च कहा, जिसनों लैके यूपी सरकार ने फिर ये कहा कि जदों अंसारी नू दो साल तो तुसी पंजाब दे विच रख्या होया है, तो पंजाब दे विच उस ते उगराही का मामला है, सिर्फ रोपड़ की जेल चो बंद है, पर उसके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई, तो जे कोई शख्स के खिलाफ 6 महीने तक चार्जशीट दाखिल ना हो जमानत का हकदार बन जाता है।
पर अंसारी भी अपनी जमानत मंग नहीं रहा क्योंकि उसनू पता है कि वह पंजाब दे विच सेफ है। ये यूपी सरकार के वकील ने कहा, जिसते हुण पंजाब सरकार से जो पूछा गया तो पंजाब सरकार ने कहा कि वह तो कोर्ट के हुक्मां नू लैके पंजाब दे विच है, साडा उस कोई लेना देना नहीं है। पर इल्जाम ये लग रहे हैं कि इन्ने महंगे महंगे वकील करके अंसारी नू बचाया क्यों जा रहा है, उसनू यूपी जे यूपी सरकार ले जाना चाहती है उसते केस दर्ज ने, तो सिर्फ एक उगराही के केस के दम पर उसनू पंजाब दे विच क्यों रखा गया।